हेलो गाइस, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या डिफरेंट होता है। देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों मेरे सामने हैं, हुए आपके सामने देख पा रहे होंगे। ये हमारा जो है अवतल लेंस है और जो दूसरा वाला है ये है उत्तल लेंस। ठीक है, दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जो उत्तल लेंस होता है ये दो बीच में मोटा होता है। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये मोटा है बीच में, ठीक है, किनारों पर पतला होता है। और ये किरणों को क्या करता है, समेटने का काम करता है, मतलब एक बिंदु पर लाने का काम करता है। और जबकि अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ये दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कि अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस काम क्या करता है, ये किरणों को फैलाता है। मतलब कि देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र में, यहाँ पर आप देखिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकल के द्वारा समझ चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, ये जब इसकी छाया बन रही है तो यहाँ पर आप देखिए बीच में क्या है, छाया भाग है, छाया वाला भाग है। और किनारे किनारों पर धूप हमको दिखाई दे रही है, गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए है ना, कि दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखिए है कि नहीं। क्योंकि ये क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसके बीच में क्या होता है, काला काला भाग बना रहता है और किनारों पर मतलब प्रकाश फैलता रहता है। और इसका प्रयोग हम करते हैं छोटी चीज़ों को, मतलब कोई भी वस्तु को अगर हमें छोटा देखना है तो हम इसका इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके सामने रखूँ, ये एक चीज़ रखी हुई है, माचिस की तीली रखी हुई है, अगर आपको कुछ छोटा देखना है तो देखिए लेंस में आप देखेंगे छोटा दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना। और यही चीज़ अगर हम उत्तल लेंस में बात करें तो उत्तल लेंस काम करता है, ये बड़ा दिखाता है, ये देखिए बड़ी दिख रही है ना आपको, ये देखिए बड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, हाँ वैसे छोटी है, आप देखिए बड़ी दिखाई दे रही है। और जिसका काम होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। यहाँ पर देखिए तीली आप देख पा रहे होंगे, माचिस की तीली रखी हुई है, कितनी बड़ी दिखाई दे रही है ये देखिए, और वैसे छोटी है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, किरणों को समेटना काम होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये किरणों को समेटने का काम करेगा, ये देखिए, ये देखिए ये क्या कर रहा है, इसके आसपास बिल्कुल अंधेरा है और ये किरणों को समेट कर एक जगह बना रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम तीली जलाने का प्रयास करें, इस जो किरणें समेट जाती हैं तो तीली क्या होती है, जल जाएगी, ये देखिएगा अभी आप। ये देखिए, देखा ना, तो मतलब ये करता है उत्तल लेंस किरणों को समेटने का काम करता है। ठीक है, ये दोनों लेंस हमें देख रखे हैं और दोनों लेंस ज्योग्राफी में ज़रूर काम आते हैं। ओके।